हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आर यू फाइन? ओके, सो देखो, एक्चुअली रिफ्लेक्शन मैंने मैक्सिमम चीज डिस्कस कर दिया, बस बचा आपका तो क्या एक्सरसाइज से कुछ प्रॉब्लम। टुडे आई विल डिस्कस एंड आई थिंक टुडे यस कंप्लीटेड दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ओके, पक्का कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन चलो देखो, इसके पहले हमने आपको क्या डिस्कस किया था, क्या रिफ्लेक्शन से जो भी मेन मेन कॉन्सेप्ट थे उससे कुछ क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, बट आज हम एक्सरसाइज से आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं। जैसे ये देखो, ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। यस, ये कह रहा है अगर एक्स एक्सिस में आपको इसको रिफ्लेक्शन देखना है, आप हम आपको यही बता दे रहे हैं। देखो ऐसे देखो, ये क्या है, 2, -5 को क्या है बाबू, एक्स एक्सिस में आपको क्या करना है, इसका एक्स एक्सिस में आपको इसका रिफ्लेक्शन देखना है। तो देखो एक्स एक्सिस में 2, -5 को कैसे देखेगा, क्या ये सिंपल क्वेश्चन है यार। ऐसे बना लो ठीक है। ये आपका क्या है, ऐसे पॉइंट्स आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 0, ये 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3 और क्या ऐसे -4, फिर 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3, -4 ठीक है। एक्चुअली आपका पॉइंट कितना था, जस्ट लुक एट हियर, आपका पॉइंट था 2, -5। चल 2, -5 कहाँ लाई करेगा, देखो 2 यहाँ है, -5 कहाँ है, तो यहाँ आपका -5 कहीं यहाँ हो, यही होगा ना। ये देखो, यदि इसका रिफ्लेक्शन देखना है तो पहले आप पॉइंट दिखाओगे, ये हुआ, ये 2, -5 यहाँ हुआ, यानी 2, -5 ये मान लो कोई पॉइंट पी है। इसका रिफ्लेक्शन देखना है कहाँ, इन एक्स एक्सिस, कहाँ देखना है बाबू, इसका रिफ्लेक्शन हमें देखना है कहाँ, इन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में का मतलब क्या, अगर ये तो हमने क्या कहा था, अगर इसका रिफ्लेक्शन देखना है तो एक्स, अगर ये 2 है तो 2 तो फिक्स रहेगा, ये बस ये जो वाई एक्सिस वाला है ना, इसका साइन अपोजिट हो जाता है, अगर यहाँ माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस होगा, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, बस ऐसे है। यहाँ देखो ये है, यानी कि आप देखो ये एक्चुअली 4 था ना, तो यहाँ कहीं 5 होगा ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन हम देखेंगे, इसका रिफ्लेक्शन हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ पी जो है क्या, 2, -5 इन कहाँ, इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस, इन एक्स एक्सिस में हम इसके यदि रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो इसका कैसे फाइंड आउट करो, जैसे कोई पॉइंट पी था, इसका मान लो पॉइंट क्या 2, -5, तो ये पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन आप देख रहे हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब एक्स एक्सिस मतलब एप्सिसा, देयर विल नो चेंजमेंट इन योर एप्सिसा, बट चेंजमेंट इन वेयर ऑर्डिनेट में आपका चेंजमेंट आ जाएगा। इसका मतलब ये देखो एक्स एक्सिस पर आपका क्या है 2 है, यहाँ देखो ये कहीं आपका पी डैश मिलेगा, एक्चुअली पी था ना, इसका मिरर इमेज मिलेगा आपका पी डैश ओके। और ये ध्यान देना, ये आपका 2 है तो 2 एज इट इज रहेगा, बट हियर द ऑर्डिनेट साइन मस्ट बी चेंज, दैट्स व्हाई हियर इट इज -5, दैट्स व्हाई हियर व्हाट, हियर विल बी अ 5। इट मींस द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट 2, -5 इन द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय 2, -5, तो ये आपका इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन हो गया। ऐसे आप चाहो तो इसको ज्वाइन करा के डॉटेड ऐसे दिखा सकते थे। यस, ये जितना डिस्टेंस होगा यहां से यहां का डिस्टेंस सेम डिस्टेंस यहां से ये सेम होगा ठीक है। तो ये आपका ये आपका रिफ्लेक्शन ये पॉइंट हो गया। और देखो और इससे पॉइंट्स आपके गिवन है, यस ये आपका गिवन है -3/2 और -1/2। तो इसका यदि आप रिफ्लेक्शन करो -3/2 -3/2 -1/2 ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको क्या रिफ्लेक्ट करना है, रिफ्लेक्ट करना है कहाँ, इन एक्स एक्सिस। इसका मतलब -3/2 को आप क्या लिख सकते हो, -3/2 वेयर लाइज ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पर -3/2 कैन आल्सो बी रिटेन एज -1.5 एंड दिस आल्सो कैन बी रिटेन एज व्हाट, माइनस ऑफ 0.5। इट मींस -1.5 लाइज ऑन 2 एंड लाइज ऑन वेयर, -1.5 लाइज ऑन -2 एंड -1, इसी के बीच लाई करेगा ना। इसका मतलब एक पॉइंट आपका यहां मिल गया ओके, और एक पॉइंट कहां मिला, देखो एक पॉइंट क्या -5 -5.5 -0.5 लाइज बिटवीन 0 एंड -1। इट मीन्स यहाँ इन दोनों के लिए आप यदि ज्वाइन कराते हो तो आपका ये जो जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा ना इनके, ये आपका ये पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका पॉइंट हो गया क्या -3/2 और क्या है -1/2। इस पॉइंट को आपको रिफ्लेक्ट कराना है इन क्या एक्स एक्सिस,
यानी आपका रिफ्लेक्शन कराना है एक्स एक्सिस का, मतलब ये कोई पॉइंट है, यानी कि सेम डिस्टेंस आप ट्रेवल करोगे, ये जो आपका डिस्टेंस था तो ये डिस्टेंस आप ऊपर जाओगे, समझ में आ रहा है। यानी ये आपका डिस्टेंस कोई पी डैश हो जाएगा और ये डिस्टेंस देखना माइनस थ्री बाई टू, तो यानी एब्सिसा सेम रहता है। ओके, और ऑर्डिनेट क्या आएगा, ध्यान दें हमने ऑर्डिनेट क्या कहा था, ऑर्डिनेट मस्ट बी चेंज। अगर ऑर्डिनेट यहाँ यानी वाई एक्सिस यहाँ आपका क्या है, अगर जो निगेटिव है तो ये वाई एक्सिस ऊपर जाएगा तो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी वन बाई टू, यानी इसका रिफ्लेक्शन ये हो गया। ठीक है, अब इसमें एक और दिया आपका, इसमें एक पॉइंट दिया है माइनस सेवन कामा जीरो, इसको आपको क्या रिफ्लेक्ट कराना है, तो माइनस सेवन कामा जीरो देखो आपको कहाँ लाई करेगा, माइनस सिक्स यहाँ फाइव होगा, माइनस सेवन कामा जीरो कहीं यहाँ लाई करेगा, कहीं इधर लाई करेगा ना, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो कोऑर्डिनेट एक्सिस को, सपोज करो यहाँ कहीं माइनस सेवन कामा जीरो लाई किया, इसका यदि आपको रिफ्लेक्शन देखना है, कहाँ रिफ्लेक्शन देखना है, आपको रिफ्लेक्शन देखना है इन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में देखो माइनस सेवन कामा जीरो, माइनस सेवन तो यही रहेगा और जीरो, जीरो का मतलब तो यही हुआ ना, फिर जीरो मतलब क्या, वाई एक्सिस पर जीरो हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया, यानी ओवरऑल फिर पॉइंट आपको यही मिल जाएगा, मतलब दोनों पॉइंट आपका कॉन्साइड कर जाएगा। कॉन्साइड करने का मतलब क्या समझ रहे हैं, कॉन्साइड करने का मतलब ना ये पॉइंट आपस में इनवेरियंट पॉइंट हो गए, समझ पा रहे हैं ना, यानी ओवरऑल कौन सा पॉइंट हो गया, ये इनवेरियंट, इसी को हमने आपसे डिस्कस किया था इनवेरियंट पॉइंट, इनवेरियंट पॉइंट क्या होते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इसको आपसे डिस्कस किया था, यानी आप ये रिफ्लेक्शन समझ चुके होंगे, एक्स एक्सिस में कैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं और वाई एक्सिस में इसको कैसे इसका रिफ्लेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, सेम अब ये कह रहा है वाई एक्सिस में यदि आपको इसको रिफ्लेक्शन देखना है, ये ध्यान दो, जब हमने x एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन देख लिया तो y एक्सिस में सेम वही बात है, अगर x एक्सिस में क्या x वाला सेम रहता है y वाला चेंज होता है, तो y एक्सिस में क्या होगा, y वाला सेम रहेगा x वाला चेंज हो जाएगा, तो इसका इसका अगर आपको सेम इसी को यदि रिफ्लेक्शन देखना है, यही देख लो इसका यदि आपको रिफ्लेक्शन देखना है, ये पहले देखो पॉइंट का है टू कामा माइनस फाइव वेयर लाइज, टू कामा माइनस फाइव, टू कहीं यहाँ होगा माइनस फाइव कहीं यहाँ, यानी सपोज करो, सपोज करो कहीं यहाँ से यहाँ, ये आपका क्या टू कामा माइनस फाइव यहाँ लाई गया, इसका कहाँ देखना है रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में, तो वाई एक्सिस में जस्ट वेट, इसका वाई एक्सिस में भी आपको रिफ्लेक्शन देखना है, तो हमने क्या कहा था अगर जो जब से अगर वाई एक्सिस वाला तो वाई वाला तो कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, एक्स वाला चेंज हो जाएगा और इसका अपोजिट हो जाएगा, देखो वाई वाला सेम का मतलब यही पॉइंट यहाँ रहेगा और ये बस अपोजिट हो जाएगा, यानी माइनस टू का माइनस फाइव आना चाहिए, तो माइनस टू का माइनस फाइव कहाँ लाई करता है, यहाँ कहीं देखो यहाँ देखो, यानी ये आपका पॉइंट क्या आ जाएगा, जो भी मान लें कोई पॉइंट P है तो ये कोई P डैश होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा माइनस टू का माइनस फाइव, ये इसका आपका रिफ्लेक्शन हो गया, समझ पा रहे हैं ना, तो ठीक है ऐसे आपको बस रिफ्लेक्शन ये सारे आप पॉइंट्स को चाहो तो ऐसे आप रिफ्लेक्ट करा सकते हो, समझ पा रहे हैं, यही आपके रिफ्लेक्शन से जो भी प्रॉब्लम थे इसी से बस ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं। फिर ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, वेरी सिंपल क्वेश्चन जस्ट आस्किंग है, ये कह रहा है टू कमा माइनस फाइव का यदि आप रिफ्लेक्शन कराओ अंडर द रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन, ये बताओ इसका ओरिजिन से रिफ्लेक्स नहीं करा सकते जी, ये बताओ, ये आपका कह रहा है जैसे देखो, ओके आप ये देख सकते हैं, ठीक है ये है, ये कह रहा है टू कमा फाइव है, इसका रिफ्लेक्शन हमें कराना है कहाँ, अंडर द ओरिजिन रिफ्लेक्शन कराना, ओके तो पहले आप देखो टू कॉमा फाइव कहाँ लाई करेगा, थोड़े से पॉइंट लिख दो, आप पॉइंट लिख लो जीरो, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, माइनस वन माइनस टू ऐसे सही बना लेना थोड़ा, माइनस टू फिर माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव, ओके
अब देखो आपको पॉइंट कितना था, पॉइंट आपको जो गिवन था पी जो गिवन था 2.5, 2.5 कहाँ लाई करेगा भाई, 2.5 यहाँ लाई करेगा। अरे इसको ऐसे ऐसे जस्ट वेट, इसको हम क्या करेंगे ऐसे डॉटेड ले चलेंगे, चलो डॉटेड ओके ओके। फिर इसको ऐसे एक्सटेंड करोगे, ये ज्वाइन कहाँ हुआ, ये पॉइंट यहाँ ज्वाइन हुआ ना, यानी ये पॉइंट क्या है 2.5। इसका यदि आपको रिफ्लेक्शन ये कह रहा है, इसका रिफ्लेक्शन अंडर ओरिजिन कह रहा है, क्या कह रहा है अंडर ओरिजिन, ओरिजिन ओरिजिन का मतलब इसके थ्रू आपको देखना है इसका रिफ्लेक्शन, यानी इस पॉइंट के। अब सुनो ये पॉइंट है, हमने आपसे क्या कहा था, अगर ये जितना डिस्टेंस होता है जस्ट वेट, ये आप यहाँ से देख सकते हो ठीक है, ये जो डिस्टेंस होता है ध्यान देना, ये वाला जो डिस्टेंस है सेम ऐसे आप यहाँ एक्चुअली यहाँ ये जाएगा जस्ट वेट ठीक है, ये उतना ही डिस्टेंस इधर भी आएगा उतना ही बिल्कुल, लेकिन ध्यान देना ये हमने क्या कहा था, जो एक्सिस यहाँ एक्स अगर एब्सिसा प्लस में है इधर आएगा तो नेगेटिव, इधर एब्सिसा ऑर्डिनेट क्या है प्लस है इधर आएगा, मतलब ऐसे सोचो अगर जो भी साइन हो और एक्स एक्सिस के मतलब अबाउट क्या हम इसको मतलब रिफ्लेक्ट करा है, मतलब एक्स एक्सिस नहीं एक्चुअली ओरिजिन के अबाउट, तो इसका जो भी ना एब्सिसा और ऑर्डिनेट आपस में उनका साइन क्या होते हैं चेंज हो जाता है, इसका मतलब अगर ये प्लस है तो इधर माइनस है, इधर भी प्लस है तो इधर माइनस, यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस, ऐसे सोचा अगर x प्लस है तो इधर माइनस, ये y प्लस है तो इधर माइनस, बस अगर ये y माइनस है तो इधर प्लस, अब प्लस है तो माइनस, ऐसे इंटरचेंज हो मतलब अपोजिट, बस ऐसा सोचो कोई कंफ्यूजन नहीं, अपोजिट खत्म ठीक है। ये तो इसका क्या आएगा जब भी रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये पी डैश को आ जाएगा क्या -2, -5 यही आएगा ना, तो इसका देख लो आप रिफ्लेक्शन, जब इसका रिफ्लेक्शन करोगे तो क्या -2, -5 यानी -2 ये और -5, यानी जो भी आपका इसके देखो इसका जो भी रिफ्लेक्शन मिलेगा आप ऐसे इसको देख सकते ऐसे जस्ट वेट इसको आप ऐसे ड्रा कर सकते हैं, आप इसको ऐसे ये देखो ऐसे आएगा, ऐसे कहीं आएगा और ये कहीं ऐसे, मतलब थोड़े से ग्राफ पेपर बना होगा ना तो बिल्कुल आपका ऐसे मिल जाता है, ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट क्या आ जाएगा पी डैश, इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा -2, -5, तो ये आपका ये इसका रिफ्लेक्शन हो गया थ्रू कहाँ ओरिजिन, समझ पा रहे ठीक है। और इसमें देखो और कौन सा पॉइंट के लिए रिफ्लेक्शन करा रहा है, जस्ट वेट ये कौन से पॉइंट के लिए फिर कह रहा है ठीक है, -3/2 और -1/2 जस्ट वेट -3/2 और -1/2 का रिफ्लेक्शन, -3/2 -1/2 कहाँ लाई करे पहले बताओ, -3/2 का मतलब कहीं यहाँ लाई, -3/2 और -1/2 मतलब ये पॉइंट आपका जस्ट वेट ये -3/2 और -1/2 कहीं यहाँ लाई करेगा, यहाँ ये लाई करेगा, ये -3/2 और -1/2 यहाँ इसका रिफ्लेक्शन देखना, तो इसका रिफ्लेक्शन देखना तो ऐसे आ जाओगे ऐसे ही आओगे ना, इसका तो इसका रिफ्लेक्शन का यहाँ आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा 3/2 और 1/2। हमने क्या कहा अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव कर, ये निगेटिव थी तो इसका ये मान लो कोई सपोज करो पी था ये पी डैश, अरे मैं अलग नाम ले लूँ ना, ये एम ले लो तो एम डैश ले लो ठीक, अगर सेम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिया प्लॉट कर रहे हो तो अगर अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लॉट करें कोई दिक्कत नहीं, पी लेकिन सेम पर दे रहे हैं ना, तो एक्चुअली हमने यहाँ पी यूज कर लिया है ना, इसलिए हम अलग नाम देंगे ना, पी हमने यूज कर लिया पी डैश कर लिया, अब इसके बाद अलग नाम दे दो, बहुत सारे नाम है जी, ये तो नेम आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप इनका नेमिंग क्या कर रहे हो ठीक है, ये आपका हो गया। चलो और देखो यानी ये क्या ओरिजिन के थ्रू रिफ्लेक्ट हो गया ठीक, अब इसमें और क्या दे रहा ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा था इमेज ऑफ पॉइंट पी अंडर द रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस दिस, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, क्या जी ये कह रहा है द इमेज ऑफ ए पॉइंट पी अंडर द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस जी, ये कह रहा है अगर जो को इमेज ऑफ द पॉइंट पी अंडर द रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस क्या ये क्या राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो पी का आपसे कोऑर्डिनेट पूछा गया, अंडर एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन है ना, एक्स एक्सिस में हमने क्या कहा था एक्स एज इट इज रहता है, ये 5 हुआ होगा ये -2 है तो क्या होगा ये 2 हो गया होगा बस, तब जो भी पी का कोऑर्डिनेट पी क्या आएगा 5.2 हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। फिर ये कह रहा पॉइंट पी रिफ्लेक्टेड इन द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स इमेज आर दिस, देन फाइंड द क्या है वही बच्चों वाले चीज हमसे पूछ रहा है ठीक है, ये सारे आप कर सकते हैं ठीक है, थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हम आपको चाह रहे कराने के लिए ताकि आ जाए ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है द पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड इन द लाइन इक्वल टू द पॉइंट पी डैश फाइंड द कोऑर्डिनेट, यस ये क्वेश्चन देखो ये क्या कह रहा है, देखो इसको जस्ट हमने बताया ये एक्स इक्वल टू 4 होने का मतलब क्या पैरेलल टू क्या वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस का होने का मतलब इसमें हम क्या करते हैं अगर एक्स इक्वल टू 4 है इसका मतलब क्या हुआ ये आपका जो भी है ना पैरेलल टू वाई एक्सिस, जब पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है इसमें हम आपको देखो
क्या बताया था, अगर मान लो पी एक्स का वाई है, ये कोई मतलब सपोज को कोई कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है, ठीक है, इसका यदि आप क्या कर रहे हैं रिफ्लेक्शन कर रहे हैं कहाँ, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब इसका कोऑर्डिनेट फिर क्या होगा, पैरेलल टू इन अ लाइन, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इन अ लाइन हो गया ना, अब पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब हमने क्या कहा था वाई एक्सिस एज इट इज रहता है, ठीक है, और एक्स एक्सिस क्या होता है माइनस एक्स प्लस टू ए हो जाता है, यही होता है ना, इसका कोऑर्डिनेट ये होगा। तो यहाँ से आप रख सकते हो पी, आप देखो माइनस माइनस एक्स, ये जो भी पॉइंट पी है ना ये निगेटिव, यानी माइनस टू और प्लस टू इंटू ए, ए के प्लेस पर कितना दिया, ए के प्लेस पर फोर दिया है, यानी फोर कामा वाई के प्लेस पर कितना है थ्री, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, अब पी आप इसको सॉल्व करोगे तो माइनस टू और प्लस एट कामा थ्री, दिस गिव्स यू क्या पी ऑफ फाइव कामा थ्री, यानी इस पॉइंट का आपका रिफ्लेक्शन ये हो गया, समझ पा रहे, इसको हमने जस्ट क्लास में डिस्कस किया था, यानी इसी टाइप से आपके क्या ओवरऑल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, इस टाइप हमने बहुत सारे आपको क्लास में देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस लास्ट लेक्चर में हमने आपको बिल्कुल डिस्कस किया था, ठीक है, वही सारे आपसे यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ओके। ये फिर कह रहा है, ये बताओ, कह रहा है प्लॉट दी पॉइंट दिस दिस ऑन द ग्राफ पेपर, ये बताओ इसको आप ग्राफ पेपर इसका पॉइंट्स को प्लॉट नहीं कर सकते, बताओ, हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था ना, जस्ट इसी चैप्टर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज भी किया है, उसमें हमने मतलब क्या पॉइंट्स को कैसे ग्राफ पेपर प्लॉट, ये बिल्कुल कर सकते जी, प्लॉट द पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस ऑन ग्राफ पेपर, ड्रा द ट्राइंगल फॉर्म बाय द रिफ्लेक्टिंग दिस पॉइंट इन द एक्स एक्सिस आर द टू ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये पहले देखो, इसको हम बता रहे हैं, ये कह रहा है प्लॉट द पॉइंट दिस दिस एंड दिस ऑन द ग्राफ पेपर, पहले तो आप इन पॉइंट को ग्राफ पेपर प्लॉट करोगे, उसके बाद से कह रहा है ड्रा द ट्राइंगल फॉर्म बाई रिफ्लेक्टिंग दिस पॉइंट इन एक्स एक्सिस। अब ये जो भी पॉइंट आ रहे हैं ना, इनको आपको एक्स एक्सिस में क्या रिफ्लेक्ट करा देने हैं, रिफ्लेक्ट आप करा दिए, अब वहां से फिर एक ट्रायंगल बनेगा। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि आर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। तो पहले तो आप क्या कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करो ग्राफ ग्राफ पेपर पे, क्या टू कामा माइनस थ्री, देखो टू कामा माइनस थ्री ऐसे देख लो, ये आपका बनेगा ऐसे, जस्ट वेट, ओके ये आपका ऐसे बनेगा, ऐसे टू कामा क्या है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो पॉइंट्स क्या है आपके, पॉइंट आपके हैं टू कामा माइनस थ्री, ओके टू कामा माइनस थ्री, टू कामा माइनस थ्री कहाँ लाई करेगा, सपोज करो टू टू और माइनस थ्री, टू कामा माइनस थ्री का मतलब कहीं यहाँ टू यहाँ और माइनस थ्री यहाँ, इसका मतलब ऐसे आप देख सकते हैं ऐसे और ऐसे, यानी टू कामा माइनस थ्री, टू कामा माइनस थ्री पॉइंट एक यहाँ लाई किया, इसका आप नाम दे सकते ए, और सपोज करो और यहाँ क्या है, और आपका कौन सा पॉइंट है, और आपका पॉइंट है जस्ट वेट यस माइनस वन कामा टू, माइनस वन कामा टू कहाँ लाई करेगा, तो माइनस वन कामा टू, माइनस वन कामा टू कहीं यहाँ लाई करेगा, माइनस वन कामा टू, माइनस वन कामा मान लो यहाँ टू है, जस्ट थोड़ा सा ऊपर इसको कर लो ना, माइनस वन कामा टू सपोज करो आपको कहीं यहाँ लाई किया, तो ये आपका हुआ माइनस वन कामा टू, ये आपका पॉइंट ए है बी है, आप इसका नाम दे सकते बी, ओके। उसके बाद से देखो आपका और इसमें कौन सा अब पॉइंट दिया है, जस्ट वेट, इसका आपका और दिया इसमें वेर वेर इट इज यस जीरो कामा टू, तो इसमें जीरो कामा टू, जीरो कामा टू कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर जीरो और जीरो कामा टू मतलब ये समझ पा आ रहा है ना, यानी आपका देखो एक पॉइंट कहाँ कहाँ आपका पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ, इन सभी पॉइंट को आपको ज्वाइन करा देने, तो इन पॉइंट्स को आप लेकर आओ यहाँ, फिर इसको लेकर के आओ आप यहाँ, ठीक है, और फिर इसको यहाँ, ठीक है, ये पॉइंट हो गए, यानी आपका क्या हुआ ये जीरो कामा टू, ठीक है। अब ये कह रहा है ये जो पॉइंट है इनको एक्स एक्सिस के अबाउट आपको रिफ्लेक्ट करना है, एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करना है, आप देखो अगर इसको यदि आप इसका यदि आप रिफ्लेक्शन कर रहे हो, ये जीरो कामा टू इसका एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट कर रहे हो, ये तो जीरो है अब आई थी, यानी इसका रिफ्लेक्शन आपका यहाँ आ जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ आएगा, ये क्या आएगा, इसका नाम दे दो ए बी सी दे दो, ये दे दो डी, तो डी आएगा, इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा जीरो कामा माइनस टू, हमने क्या एक्स एक्सिस का रिफ्लेक्शन करें तो एक्स एक्स एज इट इज रहता है ना, वाई एक्सिस चेंज होता है, चलो ठीक है। अब अगर इसका हम रिफ्लेक्शन करें ये क्या आएगा टू कामा माइनस थ्री, तो इधर आएगा तो टू कामा थ्री हो जाएगा, यानी ये कहीं जाएगा, ये आपका यहाँ बनेगा टू, ये आपका होगा टू अकामा
थ्री, यहाँ ये तो टू ही रहेगा, टू कामा थ्री का मतलब कहीं यहाँ, जस्ट वे यहाँ, जस्ट इसको थोड़े से सही बना सकते हैं आप, ऐसे ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या बनेगा, टू कामा थ्री, ये ए बी सी जो भी आप इसका डी ई दे दो, ठीक। और इसका देखो माइनस वन कामा टू का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, माइनस वन कामा टू का रिफ्लेक्शन, ये माइनस वन कामा टू ना, तो इसका रिफ्लेक्शन कहीं यहाँ आ जाएगा। अरे माइनस वन तो सेम रहेगा, ये निगेटिव हो जाएगा, यानी इसका रिफ्लेक्शन कहाँ आ जाएगा, ऐसे ऐसे, यानी सेम यहाँ, यानी इसका ये क्या आ जाएगा, माइनस वन कामा माइनस टू, यानी इसका डी ई एफ नाम दे दो, यानी ये पॉइंट कहाँ मिला आपका, जस्ट ये पॉइंट आपका एक यहाँ मिला। अब ये कह रहा फिर इन सारे पॉइंट को आपको ज्वाइन कराने, आपके पॉइंट कहाँ कहाँ मिले, तो आपके एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ, इसको थोड़े ग्राफ पे बनाओगे ना सही से जाएगा, यानी एक ऐसे जस्ट वे इसका आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे इन सारे पॉइंट को आप ज्वाइन कराओ, ठीक है, ऐसे आप ये रफ वर्क है, आप ग्राफ को सही से बनाओ। अब ये कह रहा है ना देखिए, ये तो है नहीं, जस्ट वे ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। अब इन सबको ये देखो, ये आप एक ट्रायंगल बनाओ, एक ट्रायंगल ये बना, इन दोनों ट्रायंगल को आपको देखकर बताना है क्या ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, तो ग्राफ पेपर से आप इसको देखकर बता सकते हैं, बस ऐसे आपके फिगर बनेंगे, समझ में आ रहा है ना। यानी कि देखो ये चैप्टर आज हमने बिल्कुल आपको रिफ्लेक्शन टोटली आज हमने कम्प्लीट कर दिया, ओके ठीक है, फिर हम मिलते हैं विद अ न्यू टॉपिक इन अ नेक्स्ट लेक्चर, ओके।